प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जयपुर शहर की राजनीति काफी गरमाई हुई नजर आई, जहां दोनों ही प्रमुख दलों ने जयपुर शहर में रोड शो निकाला। एक तरफ भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और चुनावी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में रामचरण बोहरा के समर्थन में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया। कांग्रेस का रोड शो चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ, तो इधर बीजेपी का रोड शो गोविंद देव जी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू किया गया। इस दौरान दीनानाथ जी की गली में कांग्रेस और भाजपा का रोड शो आमने सामने हो गया। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी नजर आई। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते मामला तुरंत शांत हो चुका था और प्रशासन ने दोनों ही रोड शो को आगे बढ़ाया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया।